मुझे आपसे, आपके करीब होने से, आपके पास होने से खुद बड़ी मोहब्बत है, चाहत। आपकी मिन्नतों को खुद अप्रिशिएट करना चाहता हूं। आपकी यादें हर वक्त मुझे घेरे रखती हैं। मैं आपसे जुदा नहीं हूं, आपकी यादों के झुरमट में रहता हूं। सुबह शाम मैं आपके लिए उदास रहता हूं। आपसे फिजिकली मिलना चाहता हूं, अपनी धरती में आपके झुरमट में होना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं। आपसे बिल मुशाफा हम कलाम होना चाहता हूं। हम मजलिसी की तपश आपको देना चाहता हूं, आपसे लेना चाहता हूं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कंधों पे एक जिम्मेदारी डाली है, मैं उसको बहुत सराहत के साथ अल्फाज में नहीं कह सकता। मुझे उस जिम्मेदारी को पूरा करना है अल्लाह के इज़्ज़त, अल्लाह के अमर और अल्लाह की तौफीक के साथ। इल्मी काम है, तीन तफसीरें हैं जो मैंने लिखी हैं, लिख रहा हूं, कंप्लीट कर दी हैं, रिवाइज कर रहा हूं, उनका मुराजा हो रहा। कोशिश है कि पहली तफसीर पूरे 30 पारों की इस साल के एंड पर या अगले साल में छप जाए, फिर उसके बाद दूसरी तफसीर में छपना है, फिर उसके बाद एक तीसरा। अलग अलग हिस्से हैं, ये 25 जिल्दों का काम है। फिर सही बुखारी की एक शरह का काम है, वो भी 25 जिल्दों का काम है। इल्म का एक जखीरा और खजाना है, मुझे एहसास है कि उसको अल्लाह की तौफीक से मैंने मुकम्मल करना है। और इस सदी के काम ने अगली कई सदियों तक नस्लों की रहनुमाई करनी है, इसे इस सदी में मुकम्मल होना है। और मैं इस सदी के इख्तिताम तक तो जिंदा रहने वाला नहीं हूं, जितने साल मेरी जिंदगी के हैं मैं चाहता हूं कि इस सदी के लिए जो काम मेरे जिम्मे लगाया गया, जिसने आइंदा कई सदियों तक रोशनी देनी है, मैं मुकम्मल अल्लाह की तौफीक से कर लूं। ये हाल, ये मौजूदा जमाना पिछली सदियों से कट गया है, मैंने माजी को हाल से भी जोड़ना है अभी इल्म के बाप में। और मुस्तकबिल तो बिल्कुल कटा रहेगा, कटे पितंग की तरह, उसकी कोई जगह नहीं होगी। फिर उस मुस्तकबिल को भी माजी से जोड़ना है, इस इल्म का एक राब्ता कायम करना है। वो हस्तियां जिन्होंने दीन की तजदीद की, इस्लाम का इहया किया, रूहानी कायनात बसाई, लोगों की रूहों को आबाद किया, हुजूर के पैगाम को आम किया और उम्मत के जाहिर और बातिन को सैराब किया, उन हस्तियों के अक्स आप तक पहुंचाने हैं, आपकी आंखों को दिखाने हैं। और उन अगली नस्लों को जिन्हें कोई ये बात याद कराने वाला भी नहीं रहेगा, उस याद को आगे पहुंचाना। सिर्फ इसलिए आपसे दूर बैठा हूं कि वो जो अगली नस्लें हमसे बहुत दूर हैं, वो जिम्मेदारी उनके लिए भी निभा जाऊं। फिर वो पढ़ेंगे, रोशनी लेंगे, रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, नस्ल दर नस्ल जमाना ये काम उनकी रहनुमाई करेगा। इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे हिलने नहीं देता कि शायद वहां आऊं, आपकी मोहब्बतों में ऐसा गिर जाऊंगा कि मेरे पास वक्त नहीं बचेगा इस काम की तकमील का। इसलिए मैं आपसे दूरी का जो दर्द है उसको बर्दाश्त करता रहता हूं। शायद थोड़ा वक्त और लगे, इंशाअल्लाह तकमील हो जाए, मेरे सर से, मेरे शऊर से बोझ उतर जाएगा कि जिम्मेदारी मेरी अधूरी नहीं रह गई। मैं फरहत और शादमानी के साथ फिर इंशाअल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी, आपके साथ
आऊंगा आपके साथ बैठूंगा, हर हफ्ते एक मजलिस होगी, सबसे मिलूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। मैं चाहता था कि मैं अपने अंदर के जज्बात आप तक पहुंच पाऊं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे।